ये ट्रैकिंग खतरनाक होने वाली है, एक ही डर है जानवर वानवर ना आ जाए। हेलो भूत भूत नहीं होने चाहिए भाई। मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज में पहुंच चुका हूँ। और चतु क्या हाल चाल है? हाँ भाई पैसे मांग रहे हैं तो गाइस देख सकते हो क्या है ये सिद्धू है लोकल की से मनाली। अच्छा सिद्धू सिद्धू बहुत सुंदर है। मैं जयपुर से आया हूँ। का नहीं बछड़ा है ये। ऑर्डर गाइस तो एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मनाली के। तो अभी मैं जा रहा हूँ घोसाल विलेज जो यहाँ का सबसे छोटा विलेज है। तो चलो चलते हैं पहाड़ों पर। तो अलग तरीके का एक्सपीरियंस है भाई, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैं अब फील करूँगा जो कभी नहीं किया था। देखो इस प्रकार से लोग रहते हैं यहाँ पर। घोसाल विलेज इधर ही है ना? घोसाल विलेज इधर से पैदल ही जा रहा हूँ, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। रास्ते हैं यार ये, जैसे सामान रख रखा है लोगों ने। तो ये अलग लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। कैसा रास्ता ही है ये, ट्रैकिंग खतरनाक होने वाली है। एक ही डर है जानवर वानवर ना आ जाए। यहाँ पर पानी फिसल रहा है, पैर देख रहा हूँ ना कैसे बिल्कुल खाई है नीचे। तो आराम से जाना पड़ेगा, और लोग दिख जाए यार फिर उनके साथ में चलूँ। यहाँ पे सांप वोप का भी डर है। ओ भाई सबसे ऊपर पे आ गया मैं, सबसे ऊपर चोटी पे। हो हेलो। तो भाई लोग फाइनली मैं पहुंच गया घोसाल विलेज में। अरे आंटी यहाँ पे बैठी हुई। घोसाल विलेज है ना इधर नीचे से, लोग ही नहीं दिख रहे इधर तो बिल्कुल ही। भूत भूत का थोड़ी सिस्टम है कोई, इधर भूत भूत नहीं होने चाहिए भाई। मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ भूतों से ये खेतों में। भैया लकड़ियाँ काट रहे, लकड़ियाँ काट रहे। आ गया हूँ विलेज के अंदर और काफ़ी प्यारा भाई शांति, ये एडवेंचर एरिया है और यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है, पर पैसे लगेंगे कैंपिंग के। तो ये एरिया देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, ये कैंपिंग के लिए लगा रखा है ये रोड वोड, इसमें कैंपिंग कर सकते हैं हम, देख सकते हो। और ये पता नहीं आगे लोग हैं या नहीं है ऊपर, ये विलेज ऊपर घर तो दिख रहा है ऊपर, लोग कैंप लगा रखे हैं। ये छोटे छोटे पता नहीं क्या बना रखे हैं यहाँ पे, घर घर और बना रखे हैं। बाकी खेत है, ऊपर घर है, छोटा सा विलेज है और मैं हूँ इस जंगल एरिया में अकेला। बाकी पानी की आवाज़, माइक मेरा सही काम नहीं कर रहा भाई, लोकल वाला माइक है भाई। क्रिसमस ट्री मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज में पहुंच चुका हूं। और छोटू क्या हाल चाल है? हाँ क्यों खाने के लिए भाई पैसे मांग रहे? इधर है घर आपका, किधर है आपका घर? नीचे है। काफ़ी सुंदर भाई, सबसे छोटा विलेज अभी तक का मैंने देखा नहीं था ऐसे पहाड़ों पर। घर देख रहे हो ना कितने सुंदर सुंदर घर हैं, ये गाय। घोसाल ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई। अलग ही लेवल की वाइब आ रही है, फीलिंग आ रही है भाई। ये देखो पानी यहाँ से जा रहा है विलेज का, फ्लो हो रहा है ऐसे। लोकल लोगों से मिलते हैं। ये गाय
ये। नमस्ते आंटी, नमस्ते नमस्ते। खेतों में जा रहे हो? कपड़े धो रहे जा रहे, खेत में जा रहे हो? खेत में जा रहे हो, मैं भी चलूं? नहीं। क्यों? बहुत दूर है खेत। कोई दिक्कत नहीं, चल रहा हूँ आपके साथ। बहुत सुंदर विलेज है। अच्छा, सुंदर है। हाँ, कहाँ रहते हो? मैं जयपुर से आया हूँ। अच्छा, जयपुर से आया। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ मैं मनाली, ओल्ड मनाली है ना। अच्छा, वहाँ पर पानी फ्लो। हाँ, ओल्ड मनाली, वहाँ पे रूम लिया है। नहीं है, अकेला? अकेले ही आया हूँ मैं तो। अच्छा, वीडियो शूट करने आया हूँ। अच्छा, किधर है खेत आपका? ये गाय रखी है। हाँ, दे के आओ फिर, मैं चलेंगे साथ में। नहीं नहीं, मैं यहाँ गोबर निकालना, मैं तो ऐसे बोल रही। अच्छा। तो भाई ये आंटी मजाक कर रही थी, अभी वो जा नहीं रही है खेतों में। कितना दूर है यहाँ से? यहीं पे दोगे? अच्छा, वो वहाँ पे धोया है कुछ लोगों ने। ये पुल बना हुआ है भाई। ये आंटी दादी लग रही है, आंटी तो वो चली गई, ये दादी हैं। और इतने से उम्र में कपड़े धोने आ रही है। और पानी का फ्लो देख लो, इतना तेज है। ये बीच रिवर वाला उधर जाके मिलता है रिवर, तो यहाँ पर कपड़े धोएंगे। इधर भी घर है क्या? इधर भी घर है? हाँ। घर घर इधर भी है? हाँ, पार है, पार। अच्छा, पार से नहीं मिल गया पार। ये पार है ना? नदी पार। हाँ। और इधर भी पूरा गांव है ये। हाँ, क्या बात है, दादी गई कपड़े धोने। देख सकते हो आप ये गांव, ये गाय। हेलो, गाय नहीं बछड़ा है ये, बछड़ा है, बछड़ा। चलो दौड़ के चलते हैं। तो यहाँ की विलेज लाइफ ऐसी है, तो देख सकते हो ट्रेडिशनल कपड़े मनाली के, शॉल ऑल। ये लोकल लोगों का घर है पहाड़ों पर। आज भैया नमस्ते। बीड़ी पार्टी चल रही है इनकी। चलो और घूमते हैं, अंदर चलते हैं गली में। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाई। काफी अच्छी रो, यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। तेरे घर देख सकते हो आप, अंदर घुस गया मैं। गाय, पीसफुल है बिल्कुल, पीस अलग, नेक्स्ट लेवल का पीसफुल है। अब इधर घर है, इधर घर है, आगे कोई रास्ता वास्ता नहीं है। चलो अब निकलते हैं, दूसरी साइड चलते हैं। छोटू इधर और रास्ता है क्या? इधर कहाँ पे जाना आपने? ऐसे ही घूमना है। है, है? ये बोल रहा है इधर है, घर है क्या इधर? हाँ है। अच्छा, इधर आगे से ऊपर से है ना, यहाँ से भी है। कहाँ से? ये है ना, यहाँ से सीधा जाना ऊपर को और ऊपर तक। यहाँ से भी रास्ता है और ऊपर तक जाने का। कैसे हो? तो भाई क्या बात है, और ऊपर जाने का रास्ता। तो मैं जाके अब चलता हूँ वापस। तो ये था गांव हमारे मनाली का, छोटा सा, काफ़ी प्यारा गांव पहाड़ों के ऊपर। मज़ेदार लोग हैं यहाँ पे और मज़ा तो आ गया। सोलर प्लेट लगा हुआ है लाइट के लिए,
तो गाइस चलो लोकल देखते हैं यहाँ पे फूड दीदी के कैफे में। देखिए स्पेशल डिश रहेगी हमारी, ये फ्रेश बनेगा। तो गाइस देख सकते हो क्या है, ये सिड्डू है, लोकल डिश है मनाली की। अच्छा सिड्डू, सिड्डू SIDDU। अच्छा हाँ जी, तो ये है लोकल डिश, स्पेशल डिश रहती है हमारी ये। अगर आप आते हो मनाली में तो यहाँ जरूर आए, दिशा फास्ट फूड में, यहाँ हाँ। प्योर वेज मिलेगा। यहाँ पे बॉटल, एक पानी की बॉटल ले लो। ओके और ट्राई करोगे अब, खाके जाओ कैसा हमारा सिटू। अभी जा रहे हैं, मेरे को थोड़ा लेट हो जाऊंगा। यहाँ पर हकीकत गर्मी हो गई भाई, भयंकर वाला। तो ये था घोसाल विलेज, सबसे सुंदर विलेज, छोटा सा और काफ़ी प्यारे लोग हैं यहाँ पर। मतलब लगता ही नहीं कि आप अलग आए हो, ऐसा लगता सब अपने ही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इस विलेज का, और कैसे लोग नेचर के बीच में रहते हैं और कितना प्यारा और कितना संभाल रखें, जो कि अलग शहरों में नहीं होता है। कचरा करते हैं और बहुत कुछ करते हैं भाई, पर ये विलेज इतना शांति, सुंदर और हरियाली, अभी भी नेचुरल थिंग, मतलब नेचुरली कर रहे हैं लोग। वो दादी आपको दिखाया था कितनी मतलब ओल्ड एज है, कपड़े धोने जा रही है, तो नेक्स्ट लेवल का है भाई। और अपन पता नहीं क्या है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे को और वीडियो शूट करने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।